नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बींग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। देखिए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी ये है। यहाँ पे एजुकेशन और स्ट्रेस काउंसलर्स की वैकेंसी है, जिसके लिए सिर्फ मान्यता है बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हेड कांस्टेबल यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि ये देखिए पोस्ट कहाँ किसके द्वारा निकाली गई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको हेड कांस्टेबल का नाम दिया गया है। यहाँ पे आपका काम एज अ स्ट्रेस काउंसलर या एजुकेशनिस्ट का ही रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 112। मेल की देखोगे आप तो 37, 15, 7, 24 इस और 13 इस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। तो टोटल मेल की 96 वैकेंसीज और फीमेल की 16 वैकेंसीज यहाँ पे है। तो एक बहुत बड़ा लाइक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और इसके फॉर्म्स की मैं बात करूं तो फॉर्म्स जो हैं ऑलरेडी आउट हो चुके हैं 7 जुलाई से। ठीक है, आप सभी जो है अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हो। और पे स्केल जो है वो लेवल 4 का पे स्केल रहेगा, जो कि अच्छा खासा पे स्केल है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 20 से 25 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और आपने जो है बीएड किया हो और साथ में ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, या फिर आपके पास साइकोलॉजी में जो है डिग्री हो। ठीक है, तो बीएड के स्टूडेंट्स बिल्कुल इस वैकेंसी को जो है फिल कर सकते हैं। और जो देखिए, अगर एससी एसटी ओबीसी या एक्स सर्विसमैन कोई भी इसमें से है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिला है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का यहाँ पर आपको जो है मिला है रिलैक्सेशन। फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म्स कहाँ से फिल करने हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आप वहाँ पे जाइए और फॉर्म्स को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। 7 तारीख से जो है वो फॉर्म्स आउट हो गए हैं और क्लोज हो जाएंगे 5 अगस्त को। तो कोशिश करिएगा लास्ट डेट तक आप ना रखें, ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना है और जल्द से जल्द आप जो है इस वैकेंसी के फॉर्म्स फिल कर दें। 7 जुलाई से फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। कुछ भी समझ ना आए इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।